आम आदमी पार्टी आने वाले जो लोकसभा चुनाव अनाउंस हो चुका है, तो आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी अगले 10 दिन में हरियाणा के 10,000 पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग स्टेशन इंचार्ज नियुक्त कर देगी। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर काम किए हैं, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, जवान और किसान और मजदूर के लिए जो काम किए हैं, आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को लेके दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली में हमने जो काम किए हैं पिछले 4 साल में, उस मॉडल को लेके लोगों के बीच में जाएगी। और पिछले जो करीब 4.5 साल के अंदर बीजेपी की हरियाणा जो सरकार है या केंद्र में जो सरकार है, उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था, उसको भी हम साथ में लेके जाएंगे। बीजेपी का मैनिफेस्टो जिसमें था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, जिसमें इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, जिसमें इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और करीब 4.5 साल हो चुके हैं हरियाणा में बीजेपी की सरकार को, तो जो बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था हरियाणा के लिए कि फलाना करेंगे दिखड़ा करेंगे, उसको भी लोगों के बीच में लेके जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने लोगों को बहकाकर, झूठ बोलकर, जो पिछली बार वोट लिया था उस वोट का इन्होंने अपना जो जनता ने इनको बहुमत दिया था, लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। किसी चाहे इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की थी, आज गुड़गांव है तो उसका नाम बदल दिया गया, लेकिन चाहे कानून व्यवस्था की बात थी, तो पूरे हरियाणा के अंदर जो कानून व्यवस्था पिछले 4 साल के दौरान हुई है, करीब 50,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, ये तो रजिस्टर्ड है पुलिस उसमें, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, रोज मर्डर, डकैती। किसी भी तरह से बीजेपी की जो सरकार है, या उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरी हर साल देंगे, ये उनके मैनिफेस्टो में है, तो ना तो वो 1 लाख नौकरियां दी गई, 4.5 साल हो गए करीब, अब ये 30-35 हजार नौकरियां इन्होंने चुनाव के चक्कर में दिया, उसमें भी करीब 18-20 हजार चपड़ासी लगाए इन्होंने। तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में हमने काम किया था, और 16,000 बूथ हैं, लेकिन पहले हम करीब 10,000 पोलिंग स्टेशन है पूरे हरियाणा में, हमें पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग स्टेशन इंचार्ज नियुक्त कर देंगे अगले 10 दिन में, और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हमने सुझाव दिया था एक, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे करीब 50 सैनिक शहीद हुए, उसके बाद जिस तरह से हमारे सैनिकों की शहादत पर राजनीति हुई, हमारी सेना ने उसका जवाब दिया, लेकिन जो काम सेना ने किया उसका श्रेय बीजेपी के लोग फौज की वर्दी पहन पहन के अपनी राजनीति चमका रहे थे, रैलियां कर रहे थे, पूरे देश ने देखा है। और जब पूरा देश बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर रहा था, जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, तो बीजेपी के लोग बूथ के ऊपर जा रहे थे। जब पूरे देश के अंदर युद्ध का माहौल था, उस समय बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा था बूथ की ओर, और बूथ पे प्रोग्राम हो रहे थे। हमारी शहीदों की चिताएं ठंडी भी नहीं हुई थी उसके दौरान, इन्होंने पोस्टरबाजी, बैनर, और खुद बीजेपी के नेता फौज की वर्दी पहन पहन के, तो ये बहुत ही ज्यादा बीजेपी देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी बहुत हानिकारक है।
और बीजेपी से देश बचाना जरूरी है, इसलिए हमने सलाह दी थी, कांग्रेस को भी दी थी, जेजेपी को भी दी थी कि गठबंधन जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जाति के नाम से पूरे हरियाणा के अंदर भाई साहब जाति के नाम से जहर इन्होंने फैलाया देश में धर्म के नाम से, तो मुझे लगता है जब समाज नहीं रहेगा तो फिर राजनीति किस पे करेंगे। तो इनको उखाड़कर फेंकना जरूरी है, जिस तरह से जो हालात इन्होंने बना रखे हैं उसका मुकाबला करने के लिए जिस तरह इन्होंने झूठ फैला रखा है, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी ने एक पहल की। इस प्यार के पैगाम का कोई जवाब आया क्या? मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारी तरफ से दिल और दिमाग और दरवाजे खुले हुए हैं और बातचीत चल रही है, हो सकता है जल्दी खुशखबरी मिल भी जाए, पक्की तो मैं नहीं कह सकता। जैन साहब, 2012 में आप लोग जो आपके नेता जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कांग्रेस सरकार को सबसे भ्रष्ट बताते थे, आंदोलन के बाद अपने पार्टी की रूपरेखा तैयार की, बोलते थे कि 25 को इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, 27 को शपथ लेंगे और 30 को शीला दीक्षित जेल में होगी। उसके बाद अब आप लोगों के लिए उस 5 साल में 7 साल में क्या कांग्रेस पार्टी स्वच्छ हो गई, बिल्कुल साफ हो गई कि उसके लिए गठबंधन के लिए तैयार हो रहे हैं? दूसरा, जिस ओम प्रकाश चौटाला को अरविंद केजरीवाल ने अपने मंच तक पर बैठने नहीं दिया, उसका बेटा जो जेल में है उसकी पार्टी से आप लोग गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हो, तो अब आप बीजेपी को भ्रष्टाचार बता रहे हो, भ्रष्टाचारी बता रहे हो, पहले आप लोग इन दोनों पार्टियों को बता रहे थे? पहली बात का तो जवाब ये है भाई साहब कि हमने कहा इस देश को अगर बचाना है तो एक अकेले भ्रष्टाचार की बात नहीं है भाई साहब, मैं जवाब तो दे लूं, और डिबेट करनी है तो वो भी कर लेंगे बैठ के। पहली बात ये है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज देश के अंदर जो स्थिति हो रही है भाई साहब, समाज को तोड़ने का काम कर रही है ये बीजेपी, जो सरकार सेना का भी राजनीति में इस्तेमाल करे, जो सेना मतलब जो कुछ भी करवा सकती है चुनाव जीतने के लिए, ऐसी पार्टी बहुत खतरनाक है, पहली बात, और हमने तो सलाह दी है भाई साहब। दूसरी बात, जहां क्या करवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है भाई साहब, अच्छी बात करो, दंगे करवाए ना हरियाणा के अंदर, चुनाव के लिए ही तो करवाए गए थे। क्या भाई साहब, अगर अलायंस नहीं होता है तो कितनी सीटों पर 10 की 10 पे, अगर अलायंस अगर गठबंधन नहीं होता है तो 10 की 10 पे उतारेंगे भाई साहब। कुछ नाम बता सकते हो सर, कोई है इनका दे? नाम भाई साहब होली के बाद बता देंगे। भाई साहब, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी समाज को बांट रही है जी, आप सारी विपक्षी पार्टियों को एक कर दिया, और इससे ज्यादा एकता क्या दिखाएंगे? बिल्कुल, आप एक चीज और सुनो, अब एक चीज और, आप लोग भी पता नहीं, मतलब मेरे ख्याल में ऐसा फील ले रहे हो, हम भी ले और भी जनता ले रही है कि एक तरफ तो गठबंधन हो रहा है, मोदी जी बेचारा अकेला है, 40 पार्टियों का गठबंधन है भाई साहब, लिस्ट ले लेना, क्या वो ठगबंधन है फिर? मोदी जी के साथ एनडीए के साथ 40 पार्टियों का गठबंधन है, वो गठबंधन नहीं है क्या? या ये जो लोग हो रहे हैं कि ये सारे इकट्ठे कर दिए, अरे भाई साहब उसकी भी लिस्ट निकाल लो एक बार, आप कहीं गूगल पर जाकर लिस्ट निकाल लो, 40 पार्टियां 40। नरेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत है, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना, मौका प्रस्त है आम आदमी पार्टी भाई साहब, हम तो मौका उधर लगाया चौका, ऐसा भाई साहब आप कुछ भी कहो इस बात ना, वो आपका विचार है, लेकिन मेरा विचार ये है, अब जब आदमी बचेंगे देश बचेगा, समाज बचेगा, जब बद राजनीति होगी, जब बद कुछ होगा। अच्छा, इन्होंने तो पूरा जहर फैला रखा, जाति का इनने फैला रखा, धर्म का इनने फैला रखा, सेना का ये राजनीति में इस्तेमाल करने लग रहे हैं, कुछ भी करवा देंगे ये तो। अच्छा नवीन जी, आपने कहा है 10 सीटों पे लड़ोगे आप, अगर गठबंधन नहीं होता 10 प्रत्याशी है लोकसभा के आपके भाई साहब, करीब 250 प्रत्याशी ऑनलाइन कर रखा था हमने, 250 आ रहे हैं, हमारे लिए कोई इतना जरूरी नहीं है, कोई करोड़पति होना जरूरी है, गुंडा बदमाश उसके साथ होने जरूरी है। दिल्ली में जो चुनाव लड़ा था, दिल्ली में जब हमने चुनाव लड़ा था तो सारे आम आदमी लड़ा था, और उस टाइम पे भी आप लोग कह रहे थे 17 आदमी है, 250 आदमी हरियाणा में, 250 आदमी इनेलो बीजेपी के गठबंधन की बात देखिए, बिल्कुल बातचीत चल रही है जेजेपी से, और बातचीत
का जो भी काफी दिनों से बातचीत चल रही है, वो जीन पाइपों से आप बातचीत कर रहे हो, दिक्कत क्या आ रही है सीट को? भाई साहब वो सीटा का और जनपुर जन हो रहा था, क्या थोड़ा बताएं? वो बताया है मैंने कि भाई सीटा का वो कह रहे थे कि भाई क्या नाम है, दो तीन सीट ले लो, हमने कहे थे कि भाई बराबर का लड़का, आम आदमी पार्टी का भी सम्मान, आम आदमी का भी, आप कितनी मांग रहे हैं? हम तो नहीं कहते बराबर, इतना तो सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस को कितनी दोगे है भाई साहब? कांग्रेस को कितनी दोगे भाई? भाई साहब हमने सीट सेटा का कोई मामला नहीं है, पहली बात यह बीजेपी हरानी जरूरी है। मेरी देखो ये काम हम कर रहे हैं, हम तो छोटे है आदमी है, ये काम है कांग्रेस को करना चाहिए भाई साहब। फॉर्मूला निकाला होगा गठबंधन का? नहीं नहीं हम कह ला रहे भाई साहब, हमने तो हम तो आंदोलन वाले आदमी है, वो एक रह जाएंगे, हमने गढ़ा एमपी एमएलए उसकी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देश बचाना जरूरी है। और मैंने तो इसलिए यह बात कही है, अगर भाई समाज में जिस तरह की इन्होंने जहर फैला रखा है, बहुत खतरनाक लेवल पर फैला रखा है, वो खतरनाक ही न काम धाम तक कराने नहीं। आप इतने दिन तक पत्रकारिता कर रहे हो, गुड़गांव में कुछ बदलाव हुआ हो तो बता दो सर, आपकी पार्टी हाथ जोड़ी नहीं आ रहा कोई भी? भाई साहब कोई पूछता है नहीं, हमें है तो हम आते ये इसके बारे में तो क्या कहूँ भाई? कितनी संभावना लग रही है आपको इस स्टेज पे आपकी बातचीत? मेरे ख्याल में भाई साहब खुशखबरी मिलेगी, कब तक मतलब खुशी तो होली के आसपास हो यार भाई साहब, त्योहार है। सर आप कौन कौन सी पांच सीट पे? नवीन जी एक सवाल मेरा जी, इस गिड़गिड़ाहट है क्या है भाई? देश बचाना है सिर्फ यही? अरे देश बचेगा भाई साहब, छोटी बात है यार, आप देश के लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? आपने देखे आप मेरी बात सुन रहे, आप दिल्ली बचाने के लिए लड़े, शीला दीक्षित को आपने जेल में डाल दिया, दैट इज गुड। आप जहां भी आप जाते हैं आप इस तरह के मुद्दों को लेकर के आते हैं कि हम ये करेंगे वो, लेकिन एक्चुअल में आप दिल्ली में भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिसकी एक्सपेक्टेशन आपसे थी, जो वादे आपने किए। आपकी बात का कहीं कहीं दिल्ली का भय तो नहीं? भाई साहब आप पूरा जवाब सुन लियो अच्छी तरह। पहली बात तो भाई साहब भी कह रहे थे शीला दीक्षित शीला दीक्षित ने केजरीवाल ठाकर पकड़ के थोड़ी ले जाए जेल में चाले। एसीबी जब आप लोगों को सारा पता है कि एसीबी हमारे से छीन ली गई थी, एसीबी हमारे पास नहीं है, आप लोग पत्रकार साथी हो तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि एसीबी तो हम कुछ करे नहीं सकते, शीला दीक्षित ने छोटा चपरासी नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, दूसरा आपने क्या कही थी अगर दिल्ली में परफॉर्मेंस नहीं दिया? मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो परफॉर्मेंस नहीं दिया, आपके सारा यार दोस्त रिश्तेदार हैं उन तक पूछो, आपका भी पावा बिजली का बिल सस्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 24 घंटे बिजली आवा है कि नहीं आवा है? 20,000 लीटर पानी मिला है कि नहीं मिला है? शहीद को 1 करोड़ रुपया दे है कि नहीं दे? आम आदमी पार्टी मान सम्मान राजनीति है, करवाओ ना बीजेपी द्वारा राजनीति। ये 50 अरे सुनो सर, हमारे तरफ पुलिस नहीं है, उसके तो गए थे। अच्छी बात पूरा आपने पता नहीं इस बात का, कोर्ट में तो लेके गए थे हमने एसीबी दो डॉक्यूमेंट आपके फेल हो जाते हैं वो तो कोर्ट। अच्छी बात करो भाई साहब, कोर्ट का डिसीजन है हमारा थोड़ी है वो। कई टीवी चैनल जो है समीक्षण में आप पार्टी को जीरो दिखा रहे हैं, तो आप कितने मार रहे हैं? जहां तक टीवी के सर्वे का मीडिया के सर्वे का, तो जब दिल्ली में 28 सीट आई तो 2 दिखाया करते आप लोग, और जब 67 सीट आई तो आप 10-12 दिखाया करते, तो ये तो आप बताइए आपने, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना इसमें, ऐसे ही दिखाया करते। हरियाणा में कौन सी 5 सीट मांग रहे हो भाई साहब? सीटा कोई सवाल नहीं है ना, कोई सी ले लेंगे हम, सीट की कोई बात नहीं। मान लीजिए वो 2 वाला फार्मूला जो लागू करते हैं बीजेपी और कांग्रेस, आपको कहते हैं 2 सीटें ही आपको देंगे, तो आप कौन सी को प्रेफर करेंगे? देखो भाई साहब ये समाज को तोड़ने वाली जाति धर्म के नाम पे, देश और सेना के नाम पे, देश को तोड़ने वाली बीजेपी को हराने के लिए जो भी बलिदान देना है वो ही बलिदान दे देंगे, बस बात होगी। तो आप दिल्ली में जेजेपी को सीट देंगे? वो तो भाई साहब बातचीत होगी उसके बाद देखेंगे। वो 2 सीटें मांग रहे ना, आप मांग रहे हो वो तो नहीं मांग रहे। नवीन जी मेरा एक सवाल है जी जी, आप बता रहे हो बीजेपी भ्रष्टाचारी है, दंगे करवाती है, समाज को बांट रही है, दिल्ली में जब इलेक्शन थे उससे पहले आप लोग शीला दीक्षित को जेल में डालने वाले थे, इस बार क्या नारा लेके आ रहे हो? अगर आप सारे आरोप लगा रहे हो बीजेपी पे, भ्रष्टाचारी, दंगे करवाने वाली, समाज को बांटने वाली, तो इस बार किसको जेल भेजोगे? नाम तो भाई साहब हमारे हाथ में जेल भेजना हो ना, तो पहले बात यही मैंने जैसे आपको बताया कि एसीबी थी, आपको शायद ध्यान होगा जब हमारी 45-50 दिन की सरकार थी तो करीब 150-200 जो भ्रष्ट जिन्होंने कर्मचारी थे या जो भी कर रहा था
उनको तुरंत अंदर ठोका आते हम। आज भी रिकॉर्ड पे है, मैं वैसे तो नहीं कह रहा, जब दोबारा 67 सीट आम आदमी पार्टी की आई तो इनने सारा ने डर के, क्योंकि एमसीडी में नाराज करा था उनके, कांग्रेस ने उसमें नाराज करा था। भाई साहब एसीबी, आपको ध्यान होगा कि पैरामिलिट्री फोर्स भेज के एसीबी के दफ्तर पर कब्जा किया गया था। और भाई साहब उसके बाद हम क्या करने, बताओ हमारे द्वारा स्कूल हॉस्पिटल थे, गली थी, सड़क थी, आप लोग बताओ कि सही गली रह रही हो, कि सही सड़क रह रही हो, किसी का शिविर खराब हो, स्कूल खराब हो, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता हो, कोई किसान की बात है तो 2600 रुपये रेट भाई साहब गेहूं का दे रहे हैं, अभी 1 लाख एकड़ में गेहूं हो है। तो हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, और जो कि करने नहीं दिया जा रहा भाई साहब, उसके बावजूद कर रखा है हमने। अड़गुड़गांव में कोई बीमार हो जाए ना तो बेरा पाट जाएगा, दिल्ली में भाई साहब 10 रुपये ना लागते 10 लाख रुपये का भी इलाज फ्री में हो है। ये थोड़े काम कर देंगे आम आदमी के लिए तो भाई साहब बतेरे हैं। गुड़गांव में हम जो रेट दे रहे हो ना नवीन जी, आप पंखे में चल रहे हो, दिल्ली वाले एसी में चल रहे हैं, उतने रुपये में एसी चलावा है, तो ये क्या छोटी बात है। अब लोकसभा के लिए कितने आवेदन आए आपके पास हरियाणा से? भाई साहब 3-4 दिन पहले करीब 200 के आसपास आए थे। आम आदमी है ना भाई साहब, कोई भी अप्लाई कर सके, कोई उसकी डिमांड नहीं है, कोई करोड़ दो किए अभी तक कुछ नहीं, उसकी स्क्रीनिंग चल रही है भाई साहब, होली पास से बता देंगे। ठीक है, और सर और कोई